अगर 6 महीने पहले का इसका डेटा देखते हैं तो 6 महीने पहले इसने लगभग 101% दे चुका है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कुल 4 शेयर्स पे बात करने वाले हैं, उसमें से एक ऐसा मल्टीबैगर शेयर है जिसने पिछले 6 महीने में लगभग 300 से भी ज़्यादा परसेंट दे दिया है अपने शेयर धारकों को। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का मौजूदा जो रुपये है वो लगभग 3429 रुपये चल रहा है और ये फ़िलहाल -17 रुपये गिर के कामकाज कर रहा है। इसके दिन भर का आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या कमी रह गई है। इसका प्रीवियस क्लोज हम देखते हैं लगभग 3446 का, लेकिन शुरुआत इसकी काफ़ी अच्छी होती है जैसे कि बाकी सभी शेयर्स के साथ हुआ है, लेकिन कमी कहाँ रह गई है। इस शेयर ने जब कामकाज शुरू किया तो शुरुआत में इसने एक धड़ाम से चपेट खाया। चपेट इसलिए खाया क्योंकि सारे शेयर्स में भी यही एक प्रॉब्लम है कि कल के दिन इतना ज़्यादा एक उतार आया मार्केट में कि इस उतार ने सबकी हालत ख़राब करके रखी, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। फिलहाल केमिकल सेक्टर पे जो अगर हम देखते हैं तो केमिकल सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर दिखता है जो बाकी के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कल एशियन पेंट्स में सबसे पहले इसने एक मेडियन शुरुआत में बनाने की कोशिश की, लगभग वो जगह था 3470 के आसपास। शुरुआत में इसने कोशिश की लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसमें कामयाबी उसको मिलता तो है लेकिन बहुत बाद में जाके। वो कामयाबी कहाँ मिला था? वो कामयाबी उनको मिलता है 3450 के एक मेडियन के आसपास। तो इसने शुरुआत में जो खेल दिखाया मेडियन का, उसने वहाँ पर रेजिस्टेंस शुरुआत में बनाने की कोशिश की। यहाँ पे बहुत सारे अप्स और डाउन्स आते गए, लेकिन इसने अपने आप के आपे को नहीं खोया, लेकिन बाद में जाके ये फिसल पट्टी की तरह ढेर हो गया, मिट्टी की तरह। लेकिन ये ढेर होने का कारण एक था कि सेंसेक्स में गिरावट था बहुत ज़्यादा, तो उसी के कारण ये मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया और ये गिर चुका कोलैप्स होके। भविष्य की बात करते हैं, एशियन पेंट्स का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? क्योंकि केमिकल सेक्टर में आप जितना भी देखेंगे तो सबका अच्छा ही होने वाला है। अगले 5 साल में अगर आप वॉलेट इन्वेस्टर्स की बात मानते हैं तो वॉलेट इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगले 5 साल में इसका जो परसेंटेज वो लगभग 100% हो जाएगा, मतलब ये 2 गुना हो जाएगा। मौजूदा समय में जितना भी रुपये चल रहा है 6000 से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आपका इसमें लंबे समय के लिए निवेश काफ़ी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी ख़राबी नहीं, अगले 3 महीने में ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखने वाला है बाय द एंड ऑफ दिसंबर। आज का हमारा अगला शेयर है कोफोर्ग लिमिटेड। मौजूदा समय में कोफोर्ग 3467 के आसपास कामकाज कर रहा है। लगभग इसने एक दिन में -33 रुपये खोया है, परसेंट के हिसाब से 1% इसका गिर चुका है। दिन भर के कामकाज पे अगर आप नज़र डालते हैं तो शुरुआत में हम पाते हैं कि लगभग ये 3500 पे इसका प्रीवियस क्लोज था, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है। हर शेयर की तरह पिछले दिन हम देखते हैं कि इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन इसमें कमाल की बात शुरुआत में इसने की है। लगभग 11 बजे के आसपास इस शेयर ने एक पहला मेडियन बनाने की कोशिश की 3500 पे, क्योंकि यही इसका प्रीवियस क्लोज था। इसने सोचा कि एक बार ये मेडियन एक बार पकड़ में आ जाए तो बाद में ये चढ़ाई कर ही लेगा, लेकिन इस मेडियन को पकड़ने में वो नाकामयाब रहता है और यहाँ पे एक स्टीफ हमको दिखने को मिलता है, एक ढलान, एक गिरावट यहाँ पर दिखने को मिलता है। बाद में इसी ढलान को इसने एक अपर बॉटम का सपोर्ट बनाया 2 बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 बार बनाने से क्या हुआ, इसको एक यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया और आगे बढ़ता गया। यहाँ पर उसने और एक मेडियन बनाने की कोशिश की, ऑलमोस्ट वो 10 पॉइंट नीचे था, लेकिन यहाँ से उसको कुछ खास तो मिला नहीं और बाकी यहाँ पे वो और गिरता गया। लेकिन इसका भविष्य में बात करते तो अगले आने वाले दिनों में इसमें चढ़ाई जो है वो बिल्कुल संभव है। कोफोर्ग की बात करते हैं, कोफोर्ग लगभग 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में लगभग ये 200% तक बढ़ भी सकता है। कोफोर्ग में इतनी ताकत है फिलहाल मौजूदा समय में। बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये शेयर भी अच्छा खासा आगे चल के परफॉर्म करने वाला है, तो इसको आप अगर होल्ड करना चाहते हो होल्ड करिए, बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हैं आप। आज हम बात करेंगे
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ONGC की। मौजूदा समय में ONGC 132 पे कामकाज कर रहा है और अगर प्रीवियस क्लोज से पहले देखते हैं तो लगभग इसने -2 पे आके काम करना बंद किया है। इसके प्रीवियस क्लोज पे ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लोज इसका लगभग 134 रहता है लेकिन जब शुरू होती है तब लगभग ये 135 से शुरू होता है। अब प्रॉब्लम की बात कहाँ आती है, प्रॉब्लम हम देखते हैं इस शेयर में। एकदम से इसने बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म किया लेकिन बाद में सस्टेनेबिलिटी भी आती है, मतलब इसने सस्टेन तो किया लेकिन बहुत देर बाद जाके किया। अगर हम देखते हैं तो इसने एक मेडियन बनाने में बिल्कुल सक्षम रहा और वो मेडियन था 133 का। 133 का उसने मेडियन इसलिए बना पाया क्यों, ये इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है इसके दो बार का अपर बॉटम का सपोर्ट। ये उसको दो बार शक्ति दिया ताकि वो अपने मेडियन को बनाए और रेजिस्टेंस को यहाँ से बरकरार रखे और मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए वो आगे बढ़े। और इसने आखिर में जाके यहाँ से एक फिसल पट्टी का छलांग लगाया जिससे उसके शेयर में थोड़ी सी नरमी आ गई, लेकिन ये नरमी ज़्यादा देर तक रुकने नहीं वाली है, ये नरमी बहुत जल्दी ऊपर की तरफ ये उठने वाला है। तेल कंपनी है, गैस कंपनी है, आएगा ही इसमें तेज़ी देखने को हमको 100% मिलने वाला है। फिलहाल समय की मार से ये चल रहा है, आगे चलकर इसका अच्छा खासा हमको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका अगर हम मैक्सिमम का भी अगर हम एक बार नज़र डाल देते हैं तो इस कंपनी ने सच में आप देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कई सालों से। इसके डेटा की तरफ नज़र डालेंगे तो बहुत अच्छा इसने शुरुआत से अपने आप को मेंटेन कर रखा है। मौजूदा समय में 2020 के बाद से इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है लेकिन ये बहुत धीरे धीरे अब आगे की ओर बढ़ रहा है। अब बारी है हमारी मल्टीबैगर शेयर के बारे में डिस्कस करने की। मौजूदा समय में ये 1443 पे कामकाज कर रहा है और आप अगर 6 महीने पहले का इसका डेटा देखते हैं तो 6 महीने पहले इसने लगभग 101% दे चुका है। इस शेयर का नाम क्या है, इस शेयर का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड, आदित्य विजन लिमिटेड। जी हाँ, अगर इसके आप 5 साल पहले का भी अगर आप डेटा देखते या मैक्सिमम वाला अगर हम देखते हैं तो इसने आपको ऑलमोस्ट कितना दिया है, 9331%। ये एक बहुत ह्यूज नंबर है, आप इसके कामकाज के ऊपर ध्यान दीजिए। इसने 2016 से शुरुआत किया था, लगभग सिर्फ 15 रुपये इसकी कीमत था। 2019 तक या आप कह सकते 2020 तक जब कोरोना वायरस चल रहा था 18 रुपये इसकी कीमत थी, लेकिन इसे पता था इसे क्या करना है, यहाँ से इसकी कीमत बढ़नी शुरू होती है और एकदम से छलांग देखिए ज़रा। यही वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे आके इसने बहुत अच्छा फिर एकदम से ऊपर की तरफ देखा और पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं, तो इसमें एक बहुत अच्छी छलांग हमको नज़र आती है। और बिल्कुल 2021 तक इसने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया था, बाद में इसको दो बार यहाँ पर करेक्शन हमको देखने को मिलता है, अपर बॉटम के सपोर्ट के साथ ये फिर से एक बार और चढ़ गया है। 2022 में बहुत अच्छा समय था, 770 पे एक बार मौका आया था लेकिन ये फिर से चढ़ गया है। इस आदित्य विजन की बात करेंगे तो आदित्य विजन भविष्य में अगले 6 महीने में लगभग 150% फिर से देने का विचार रखता है, सिर्फ 6 महीने। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने में।